इंडिया में जो सबसे ज्यादा कॉमन स्किन टोन है वो है भाई डार्क कलर के स्किन टोन। अब इस डार्क कलर के स्किन टोन में भी भाई तीन वैरायटी होती हैं। पहली होती है भाई लाइट ब्राउन, दूसरी होती है भाई मीडियम ब्राउन और तीसरी होती है भाई डार्क ब्राउन। अब जो लाइट ब्राउन और जो मीडियम ब्राउन होती है उसको हम लोग बोलते हैं भाई सांवला कलर, जो कि मेरा है आप देख सकते हैं। और जो डार्क ब्राउन की स्किन टोन होती है भाई उसको हम बोलते हैं काला कलर। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ आपकी डार्क स्किन के लिए। आप अपने डार्क स्किन को लेकर परेशान है कि हमारी भैया डार्क स्किन है तो हम किस कलर के कपड़े पहने जो कि हमारे ऊपर अच्छे लगे, और हम लोग ऐसे कौन से कपड़े पहने भाई कि हम अपने डार्क स्किन के ऊपर अगर उन कपड़ों को पहनते हैं तो भाई हम लोग भी स्टाइलिश दिखें। अगर आप लोगों की ये सभी प्रॉब्लम है तो भाई लोग आप मेरा ये वाला वीडियो पूरा देख लो, आपको सब समझ आ जाएगा कि आपको डार्क स्किन को लेकर कौन से कपड़े पहनने हैं और किस कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं। सबसे पहले आप इस कलर व्हील को देखिए। अब भाई आपको इस कलर व्हील को देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, मैं इसको बिल्कुल सिंपल रखूंगा। और आप लोगों के लिए भाई ये गुड न्यूज है कि इस कलर व्हील के अंदर जितने भी कलर है ना आप उन सभी कलर को पहन सकते हैं, बस आपको कुछ बात का याद रखना है। अब एग्जांपल के लिए अपन इस सर्कल में से एक कलर को चूज कर लेते हैं, ठीक है, अपन ने ग्रीन कलर को चूज कर लिया, ठीक है। तो जो ग्रीन का सबसे लाइट वाला शेड है सबसे नीचे आप देखिए पैरेट ग्रीन कलर है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना है, ठीक है। और जो ग्रीन का सबसे डार्क वाला शेड है आप सबसे ऊपर देखिए, जो सबसे डार्क कलर है ना ग्रीन, वो कलर भी आपको नहीं पहनना है। अब इसका मतलब है भाई आप लोगों को आप जो भी कलर पहन रहे हो ना आपको ना ही उसका सबसे लाइट वाला शेड पहनना है और ना ही उसका डार्क वाला शेड पहनना है। अब अगर आप लोग अपनी डार्क स्किन के ऊपर लाइट कलर को पहनकर जाते हैं तो भाई लोग ना जो कलर आप पहने होगे ना बस वही दिखाई देगा, आपकी जो स्किन है आपका जो फेस है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, दोनों ही पिक में ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए हैं, ठीक। अब एक तरफ एकदम लाइट ब्लू कलर का है मतलब कि जो रॉयल ब्लू होता है वो कलर है, और दूसरी तरफ आप देखिए जो नेवी ब्लू होता है उस कलर का, तो आप लोग खुद देख सकते हैं भाई दोनों ही ब्लू कलर हैं, और दोनों कलर में से कौन सा डार्क स्किन के ऊपर अच्छा लग रहा है और कौन सा थोड़ा सा बेकार लग रहा है। और अगर आप लोग ज्यादा डार्क शेड वाले कलर पहनते हैं और आपकी स्किन टोन पहले से ही डार्क है तो भाई वो आपकी स्किन के साथ में एकदम से मैच हो जाएगा भाई, कलर भी एकदम से डार्क और आपकी स्किन भी डार्क, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब आप लोगों को अपने डार्क स्किन के लिए जो कलर पहनने हैं तो आप इस व्हील को एक बार फिर से देखिए। अब इसके अंदर जो सबसे नीचे वाले कलर है आपको वो भी नहीं पहनने, और जो सबसे ऊपर वाला कलर शेड है वो भी आपको नहीं पहन। आप जो कलर के बीच के शेड है मतलब कि तीसरा और चौथा नंबर आप देख सकते हैं, जो बीच वाले शेड है ना आपको वो पहनने हैं। अब आप लोगों को आराम से समझ आ गया होगा कि आपको किस शेड वाले कलर पहनने हैं। अब भाई इस वाली ट्रिक से ना आप कोई भी कलर पहन सकते हैं, अब चाहे वो ऑरेंज हो, ग्रीन हो, या फिर येलो हो, या फिर रेड हो, आप कोई भी कलर के शेड पहन सकते हैं। और यहां तक कि भाई आप लोग व्हाइट कलर को भी पहन सकते हैं, व्हाइट कलर के अंदर भी बहुत सारे शेड आते हैं। अब जरूरी नहीं है भाई कि आपको वही वाला व्हाइट पहनना जो कि एकदम सफेद दिख रहा हो दूध की तरह, अब जरूरी नहीं है कि आपको वही व्हाइट पहनना, आप थोड़ा सा शेड चेंज कर सकते हैं। इस तरह के बहुत से शेड आते हैं भाई व्हाइट कलर के अंदर, तो अगर आप व्हाइट पहनना चाहते हैं तो भाई इस तरह का कोई भी कलर पहन सकते हैं। दूसरी टिप है भाई कि अब जरूरी नहीं है कि आपको एकदम प्लेन कलर ही पहनना है, आप थोड़ा सा प्रिंट में पहन सकते हैं, जैसे आप मेरी शर्ट को देख सकते हैं ये अभी चेक में है, आप चेक में पहन सकते हैं कोई भी शर्ट को, या उसके ऊपर किसी भी तरह का प्रिंट हो आप वो पहन सकते हैं, या फिर थोड़ी बहुत लाइनिंग हो आप उस तरह से पहन सकते हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको प्लेन कलर ही पहनना हो, तो अगर आप प्रिंट में थोड़ा सा चेक में पहनते हैं ना तो ये आपके ऊपर और ज्यादा अच्छा दिखेगा। आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा ये वाला वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर लो।